तो यहाँ पे जैसे मैं कह रहा था, हम लोग को प्रश्न थे, तो मैंने अपने कई सीनियरों से जो था ये प्रश्न पूछा था, तो उसमें से एक भक्त ने जो एनवीसीसी में है, दो लोगों से मुझे रिप्लाई मिला था। दोनों ने सेम बात कही कि ये कुछ चीजें जो है प्रभुपाद जी हम लोग को स्पेसिफाई नहीं करते, वो क्लियर नहीं बताते, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए उनको देना था भागवतम। तो कुछ कुछ जो है बहुत ही एकदम हाई लेवल का ज्ञान है, जैसे उन्होंने, हम देखते हैं कई बार उन्होंने ब्रह्मा जी का लाइफ, उसका कैलकुलेशन इतना खतरनाक, इतना मल्टीप्लाइड हुआ, इतना इतना मल्टीप्लाइड हुआ, इतना यूज टू गिव सो ह्यूज फिगर, बट स्टिल देर इज सम नॉलेज जो थे प्रभुपाद जी ने हमको स्पेसिफाई नहीं किया। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी जो है, वो उनकी सारा दर्शनी, उनका जो कमेंट्री है उसमें ये क्लियर करते हैं कि ये जो 100 वर्ष दिए गए हैं ये ब्रह्मा जी के 100 वर्ष नहीं है, ये जो है ये जो निचले जो लोग हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मतलब उन्होंने ये क्लियर नहीं बताया कि कौन से, लेकिन जो निचले लोग हैं उनके 100 वर्ष नहीं। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी के 100 वर्ष अलग हैं, स्वर्ग लोक के 100 वर्ष अलग हैं, उससे और ज्यादा ऊपर जाते जाते हैं जन्म महत्व तप, और वैसे वैसे जब हम लोग टॉप मोस्ट ब्रह्मा जी के लोक तक जाते हैं तो वहां के 100 वर्ष अलग हैं। तो ये जो निचले जो स्तर के जो हैं उनका कैलकुलेशन है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी का जो कमेंट्री है, उनका टीका टिप्पणी है इस श्लोक पे स्पेसिफिकली 3822 पे जो है उसमें उन्होंने कहा है। और इसमें जो दूसरे जो हैं हमारे फेमस गौरांग दर्शन प्रभु, आप लोग बहुत से लोगों ने काम सुना है उनको, मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ उनको, जो लोग नहीं जानते, फॉर देम उनकी बुक्स भक्ति वेदांत, भक्ति वैभव के लिए उनकी बुक्स रेफर की जाती है। इज वेरी यंग डिवोटी, वेरी ऐसे देखने में बहुत छोटे लगते हैं, बट ही इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही सीनियर है इन स्पिरिचुअल कैलिबर। एंड उनका भी यही कहना था, उनका एक छोटा सा वीडियो है जस्ट टू क्लेरिफाई दिस डाउट, आई वुड लाइक टू शेयर, वो भी शेयर करते हैं। उनका भी यही कहना है कि ये ब्रह्मा जी के 100 वर्ष नहीं है, ये निचले वाले 100 वर्ष है। तो दिस वीडियो विल क्लेरिफाई आवर डाउट, जो दो रेफरेंस मिले हैं हम लोगों को, तो बोथ वी आर सेइंग टू क्लियर आवर डाउट। He basically he meditated for 100 years. He developed the required knowledge, and as a result, he could see the Lord finally. Initially, he could not see the Lord, but after meditating for 100 years, he could see the Lord. Not his 100 years, not 100 years according to his calculation. It is one day of Brahma, and the initial first 100 years only passed. That is according to like lower calculation, I think celestial calculation, not Brahma's calculation. So then he could see the Lord. And how did he see the Lord? What is the form of the Lord? That is the rest of the chapter, which is very exciting. But we completed one section here. I will just summarize in a minute. तो ये एक बात क्लियर कर रहे हैं कि ये जो गणना है ये 100 साल का, ये ब्रह्मा जी का नहीं है, जो निचले स्तर के जो जो लोग हैं सेलेस्टियल, यस वो भी, बट दे आर वेरी फ्यू, तो उनका जो है उसके हिसाब से ये जो है 100 वर्ष है। तो ये हमारा डाउट क्लियर हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं कि ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के पश्चात, क्योंकि हम लोग कई बार सुनते हैं ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु है तो उसके बाद फिर उन्होंने क्रिएशन कैसे शुरू किया। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज जी का कमेंट्री है, और गौरांग दर्शन प्रभु जी भी उस चीज को रिफर करते हैं, वो भी यही क्लियर बोलते हैं। मैं ग्रुप में वो वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के रेफरेंस के लिए, यू कैन चेक दैट। तो वो एक जो डाउट है हमारा वो कल का वो क्लियर हो गया कि कैसे जो 100 वर्ष का आयु जो है वो किसके हैं वो। तो ये हमारा डाउट क्लियर होता है।